राजस्थान चुनाव में विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उस वक्त भारी फजीहत हो गई, जब एक बुजुर्ग उनकी जनसभा में कांग्रेस की तारीफ करने लगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जब माइक दिया तो उन्हें उम्मीद थी कि बुजुर्ग व्यक्ति बीजेपी, मोदी और उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे इलाके में डिस्पेंसरी बना दी। और कांग्रेस हमारे लिए माई बाप की तरह है। बुजुर्ग कांग्रेस की भर भर कर तारीफ करने लगे तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का चेहरा उतर गया और सामने बैठे गांव वालों ने बताया कि ताऊ जी ये कांग्रेस के नहीं बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस की तारीफ नहीं करनी है। सोशल मीडिया पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की जनसभा का ये वीडियो वायरल हो गया, जिसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, छन से जो टूटे कोई सपना। कवि के कहने का अर्थ है कि जब भाजपाई जाए चुनाव प्रचार में और सुननी पड़े कांग्रेस की उपलब्धियां, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का मुंह उतर गया कुछ ऐसा। हालांकि बुजुर्ग ने जिस अंदाज में बात की उसे सुनकर लगा कि बुजुर्ग को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव में सभा करने बीजेपी के उम्मीदवार आए हैं या कांग्रेस के। आप राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ ऐसी दुर्घटना को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।